इस समय हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड सम करेंगे। इन सम्स में सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है इंडेमनिटी पीरियड। अब इंडेमनिटी पीरियड इस समय दे रखा है 3 मंथ्स और डेट ऑफ हायर है 1 अप्रैल 2020। तो इंडेमनिटी पीरियड अगर 3 मंथ्स है तो इंडेमनिटी पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 3 मंथ्स, तो अप्रैल मई एंड जून, 30 जून 2020। करस्पॉन्डिंग इंडेमनिटी पीरियड यही पीरियड पिछले साल का, तो 2020 की जगह आप लिखोगे 2019, तो 1 अप्रैल 2019 टू 30 जून 2019। तो सबसे पहले इंडेमनिटी पीरियड और करस्पॉन्डिंग इंडेमनिटी पीरियड निकाला अपन ने डेट ऑफ फायर से 3 मंथ्स, राइट। अब हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, जिसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स का फॉर्मूला होता है एडजस्टेड सेल्स इन करस्पॉन्डिंग इंडेमनिटी पीरियड। अब एडजस्टेड शब्द है याद रखना, माइनस एक्चुअल सेल्स इन इंडेमनिटी पीरियड। यहां पर एक्चुअल शब्द है और यहां पर एडजस्टेड शब्द है। अब सबसे पहले करस्पॉन्डिंग इंडेमनिटी पीरियड मतलब अप्रैल 2019 से लेकर जून 2019 तक, तो ये अप्रैल मई और जून 2020 है, ये अप्रैल मई और जून 2019 है, तो हमें चाहिए करस्पॉन्डिंग इंडेमनिटी पीरियड मतलब 2019। इनका टोटल करिए 6,50,000 प्लस 7 लाख प्लस 6,80,000 इज इक्वल टू, तो आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन पे नजर आएगा 20,30,000। अब ये तो एक्चुअल सेल्स है, फॉर्मूला में यूज हुआ है एडजस्टेड। अब इस साल हमारी सेल्स 10% बढ़ने वाली थी, तो आप ये जो 20,30,000 आया है उसमें प्लस करिए 10%। तो जैसे ही प्लस 10% करेंगे तो कैलकुलेटर स्क्रीन पे आएगा 22,33,000, तो यहां पर लिखेंगे 22,33,000 क्योंकि एडजस्टेड सेल्स है। अब एक्चुअल सेल्स इन इंडेमनिटी पीरियड, तो ये वाली आप टोटल करें 1,80,000 प्लस 2,20,000 प्लस 3 लाख, तो दैट इज 7 लाख्स, तो यहां पर आप लिखेंगे 7 लाख। 22,33,000 माइनस 7 लाख्स इज 15,33,000। ये फर्स्ट स्टेप हुआ शॉर्ट सेल्स। फिर दूसरा है परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब उसमें दो, बेस्ड ऑन सेल्स एंड बेस्ड ऑन सम एश्योर्ड। तो बेस्ड ऑन सेल्स का फॉर्मूला है, अब ये स्टेटमेंट जो है वो 10 to 12 लाइन्स की है, उसके नीचे आप वर्किंग करेंगे परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट बेस्ड ऑन सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। अब नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना है, तो नेट प्रॉफिट है 6 लाख रुपए, राइट। फिर नेट प्रॉफिट के बाद आपको लिखना है, प्लस करना है स्टैंडिंग चार्जेस। अब स्टैंडिंग चार्जेस सब में दे रखा है कि स्टैंडिंग चार्जेस अमाउंटेड टू 30,000, तो स्टैंडिंग चार्जेस आप लिखेंगे 30,000। सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर, जिस साल का नेट प्रॉफिट है उस साल की सेल्स, तो सेल्स है 60 लाख्स, तो आप लिखेंगे 60 लाख्स, राइट, इनटू 100। सो इफ यू वर्क आउट 6,30,000 डिवाइडेड बाय 60 लाख्स इनटू 100, तो आपको मिलेगा 10.5%। अब हमें क्रॉस प्रॉफिट को रिवाइज करना है, क्यों, क्योंकि इस साल हमारी सेल बढ़ गई तो सेल से हमारा नेट प्रॉफिट भी बढ़ने वाला था, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ने वाली थी, कितना परसेंटेज, 3%। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो 10.5% है इसमें हम 3% एब्सोल्यूट, 3%, 10.5 का 3% मत निकालना, 3% एब्सोल्यूट, राइट, तो 3 ऐड करना है, तो 10.5 में 3 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 13.5। तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट रेट बेस्ड ऑन सेल्स, तो यहां पर आपने ये 13.5 स्टेटमेंट में लिखा। अब नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सम एश्योर्ड, तो परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सम इंश्योर्ड और एश्योर्ड इज वन एंड द सेम थिंग। उसका फॉर्मूला है सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय एडजस्टेड सेल्स ऑफ लास्ट 12 मंथ्स, जब आग लगी है उसके 12 महीने पहले की एडजस्टेड सेल्स, याद रखना यहाँ पे एडजस्टेड शब्द यूज हुआ है। चलो अब सबसे पहले सम इंश्योर्ड ढूंढते हैं।
तो सम इंश्योर्ड हमारे को सम में दे रखा है कि हमने पॉलिसी ली है 1,25,000 की, सम इंश्योर्ड 8,25,000। तो 8,25,000 डिवाइडेड बाय एडजस्टेड सेल्स ऑफ लास्ट 12 मंथ्स। अब आग लगी है 1 अप्रैल 2020 को, तो लास्ट 12 महीने की सेल्स दे रखी है, राइट 75 लाख। अब यहां पर हमें 75 लाख नहीं लिखना है, क्योंकि क्या दे रखा है शब्द एडजस्टेड, तो 75 लाख नहीं लिखना है। 75 लाख में 10% सेल्स इंक्रीज होने वाली है, तो 75 लाख कैलकुलेटर पर टाइप करिए, प्लस 10% करिए। अब कैलकुलेटर पे आपको नजर आ रहा है 82,50,000, तो वो लिखना है, राइट इनटू 100, तो ये आ गया 10%। तो यहां पर आप लिखोगे 10%। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला है शॉर्ट सेल्स इनटू लोअर ग्रॉस प्रॉफिट रेट। तो ये है आपका शॉर्ट सेल्स, इन दोनों में से लोअर कौन सा रेट है, 10%। तो कैलकुलेट ऑन करें, 15,33,000 टाइप करें, 15,33,000 इंटू 10%, तो आपको मिलेगा 1,53,300 प्लस मिटिगेट एक्सपेंसेस, आग बुझाने के खर्चे। इस समय नहीं है, अगर होते तो वो ऐड हो जाता, मिटिगेट एक्सपेंसेस और अमाउंट ऑफ क्लेम आ जाता, दैट विल बी 1,53,300। इस सम में खास बात यह है कि हमने गुड्स का इंश्योरेंस लिया है और फर्नीचर का इंश्योरेंस लिया है, और हमें क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, जीपी रेट दे रखा है 25% ऑन सेलिंग प्राइस। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट बिफोर डेट ऑफ फायर वाला नहीं बनाना है, क्योंकि जीपी रेट दे रखा है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट अप टू डेट ऑफ फायर बनाए, जिसमें हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमें कितना, 95,000, तो आप ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे 95,000। फिर सेल्स आपको दे रखा है, सेल्स कितना है 96,500। सेल्स रिटर्न, माल वापस आया, रिटर्न इनवर्ड्स, राइट 5,000, तो आप लिखेंगे बाय सेल्स 96,500 माइनस सेल्स रिटर्न 5,000, 91,500। अब परचेज रिटर्न तो है, पर परचेजेस नहीं है। इस सम की खास बात यह है कि परचेजेस नहीं है। तो अब आप 4-5 लाइन का ट्रेडिंग अकाउंट है, उसके नीचे एक क्रेडिटर अकाउंट बनाइए। अब क्रेडिटर अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर कितना है, ओपनिंग बैलेंस 31/12/2019 विल बी ओपनिंग बैलेंस फॉर 2020, करेक्ट, जानबूझ के उसमें 31/12 दे रखा है, ये हमारा क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है। अब क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है 12,500, तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी 12,500। फिर आपको परचेज रिटर्न दे रखा है, राइट परचेज रिटर्न कितना दे रखा है 2,850। जर्नल एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो रिटर्न आउटवर्ड्स 2,850। फिर आपको दे रखा है, आपने क्रेडिटर को पेमेंट की है 51,500, तो एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश। अब आपको क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, जब आग लगी थी उस दिन का बैलेंस दे रखा है क्रेडिटर का 7,000, राइट। तो ओपनिंग बैलेंस अगर इधर है तो क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा, टू बैलेंस ही 7,000। अब आप क्रेडिटर अकाउंट का टोटल करेंगे, इधर जाएगा ये माइनस होगा, जो डिफरेंस है वो परचेजेस आएंगे 48,850। अब यहां से हमें परचेजेस मिल गए, ये परचेज अब आप यहां पर लिख सकते हो इनर कॉलम में, माइनस परचेज रिटर्न्स। परचेज रिटर्न्स कितने हैं, परचेज रिटर्न्स हैं हमारे 2,850, तो वो 2,850 माइनस हो गया, रिजल्ट आया 46,000। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन सेल्स, तो कैलकुलेट ऑन करें, 91,500 टाइप करें इंटू 25%, तो आपको मिलेगा 22,875। अब सेकेंड ट्रेडिंग अकाउंट का हमेशा डेबिट साइड बड़ा होता है, गोज दिस साइड, उसमें से ये चीज माइनस होगी, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा विच इज
72,375। अब बनेगा स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। अब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में सबसे पहले स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर जो भी अभी आपने निकाला 72,375 करेक्ट माइनस स्टॉक सेव्ड। अब स्टॉक सेव्ड कितना है तो 10,500 का स्टॉक सेव्ड है, तो स्टॉक सेव्ड माइनस किया 10,500 तो स्टॉक डिस्ट्रॉयड आ गया 61,875। अब लॉस ऑफ गुड्स, हमें ये चेक करना पड़ता है कि अंडर इंश्योरेंस है कि ओवर इंश्योरेंस है। हमने स्टॉक का इंश्योरेंस ले रखा है सम इंश्योर्ड 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, और जबकि स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर कितना है 72,375, तो ओवर इंश्योरेंस है। ओवर इंश्योरेंस है तो एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा, याद रहे। ओवर इंश्योरेंस में लॉस ऑफ गुड्स होता है स्टॉक डिस्ट्रॉयड, तो ये जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड है यही हमारा बन गया लॉस ऑफ गुड्स। अब इसमें लॉस ऑफ फर्नीचर है, हमने फर्नीचर का भी इंश्योरेंस ले रखा है और फर्नीचर का इंश्योरेंस है 15,000 का, जबकि फर्नीचर ऑन डेट ऑफ फायर है 22,500, तो यहां पर फर्नीचर अंडर इंश्योर्ड है, ये समय खास बात है। तो फॉर्मूला लगेगा लॉस ऑफ फर्नीचर इज सम इंश्योर्ड अपॉन फर्नीचर ऑन डेट ऑफ फायर इंटू फर्नीचर डिस्ट्रॉयड। अब सम इंश्योर्ड, फर्नीचर का इंश्योरेंस 15,000 रुपए का है, तो 15,000 रुपए फर्नीचर ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन फर्नीचर कितने का था, तो उस दिन फर्नीचर था 22,500 का, राइट क्योंकि हमने बैलेंस शीट डेट के बाद आग लगने तक कोई फर्नीचर खरीदा नहीं है, तो 22,500 का ही फर्नीचर है, राइट इनटू फर्नीचर डिस्ट्रॉयड। अब 22,500 का फर्नीचर है जिसमें से 4,500 का फर्नीचर तो बच गया, तो 22,500 में से 4,500 रुपए माइनस करिए, 22,500 माइनस 4,500, तो 18,000 का फर्नीचर आपका डिस्ट्रॉय हुआ, फर्नीचर डिस्ट्रॉयड। अब कैलकुलेशन ऑन करें, 15,000 डिवाइडेड बाय 22,500 इनटू 18,000 करेंगे तो आपको आएगा 12,000, तो लॉस ऑफ फर्नीचर हो गया 12,000 एंड अमाउंट ऑफ क्लेम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें अगर मिटिगेट एक्सपेंसेस होते तो वो भी ऐड हो जाते जो इस सम में नहीं है। विश यू गुड लक।